हेलो। हेलो हाँ जी, क्या हाल चाल है भला जी, ठीक हूँ। ये सही समय बात करने का, 2 मिनट ले जी? सकता हूँ हाँ, क्या? पूरा जितना मर्जी लीजिए, इसका मतलब है 7 दिन पूरे हो गए आज। अब मेरे को आपसे एक बात बोलनी थी कि मेरी तबीयत में तो सुधार है, सब सही मुझे नहीं हुई है 7 दिन से, ठीक है, और बेहतर भी लगा मुझे। पर कल जो है मैंने छाछ भी पी ली और कोल्ड ड्रिंक भी पी ली और पानी भी पी लिया था, क्योंकि मेरा कंट्रोल जो है वो कहीं पार्टी में गए थे तो छूट गया। देखो ऑनेस्ट सच्ची बात यही है। 7 दिन में तो एक तो बार फिर भी बढ़ाना ही था ना, तो बढ़ा लिया, कोई बात नहीं, कुछ हाँ, तो फिर नहीं मैंने जब किया ना, तो मुझे ये होता। बात जैसे ही मैं पी के आया, रात को आया, तो मेरी रात को मेरी नाक बंद होने लग गई थी। सुबह वापस मैंने अभी तक पानी नहीं पिया है, तो अब वापस थोड़ा ठीक सा होने लग गया। नॉर्मल हो ठीक कोई होने बात लगा। नहीं है, कोई बात नहीं। वो मतलब जितना भी होता है ना, वो शुरू शुरू में होगा, जैसे आपने कल पी लिया, थोड़ा सा होगा कुछ घंटे के लिए, उसके बाद ठीक होने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी पहले करनी पड़ी थी। इतनी मतलब बहुत कुछ ही घंटों में ठीक हो जाता है। तो आज थोड़ा सा उसको कवर अप कर लो, ठीक और ठीक रहेगा, कुछ नहीं होगा। पर कवर अप आज कर लो। हाँ, मैं कहीं पे जा रहा था खाना खाने, तो शायद वहां पे कुछ पीना हो जाएगा, तो फिर रात में करूंगा। आपने ऐसा कोई साइकिल बना रखा है कि एक बार किसी ने 7-8 दिन स्ट्रिक्ट कर लिया, उसके बाद मेंटेनेंस साइकिल जो है वो थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट हो? क्योंकि नहीं तो क्या, मैं बिल्कुल खाना पीना भी सभी छूट, मतलब किसी भी पार्टी में अगर मैं कुछ भी पी नहीं पाऊंगा, तो मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि लाइफ लॉन्ग करना चाहता हूँ मैं नहीं चीज नहीं को। लाइफ लॉन्ग नहीं करने की जरूरत है। बस यही होता है कि एक आधा हफ्ता और थोड़ा सा ठीक से गुजर जाए, तो उसके बाद हाँ आपके जो सिस्टम होता है वो काफी अंदर तक चले जाता है। फिर उसके इतनी जल्दी नहीं होता, मतलब मैक्सिमम 10-15 दिन और निकल जाए तो फिर तो आप काफी लिबर्टीज ले पाओगे। ओके, ऐसा है क्या कि अगर मैं एक हाँ बार, मतलब मान लो कि महीना भर जीवन का अगर मैं स्ट्रिक्टली दे देता हूँ इन चीजों को, तो उसके बाद काफी आराम हो जाएगा? हाँ उसके बाद इतनी जल्दी नहीं होगा। उसके बाद ये है कि कंटिन्यूअसली आप 15-20 दिन तक गलत करते रहोगे तब हो सकता हाँ है, पर 1-2 दिन में कुछ नहीं होगा। अच्छा, ओके, दैट साउंड्स गुड। तो अब मैंने वापस खाने से 60 मिनट पहले पानी पीने वाले सिस्टम पे चल रहा हूँ अभी फिलहाल, ऐसा ही है ना? हाँ, और कोई नहीं, पार्टी कभी भी जाना होता है तो वन टाइम इन ए डे तो यू कैन टेक द लिबर्टीज। नेक्स्ट आई डे कैन एडजस्ट कर टेक लो। हाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग और आफ्टरनून तक थोड़ा सा ध्यान से कर लो, बस ठीक हो जाएगा। कुल मिला के अभी तक तो बस मैं यही चीज कर रहा हूँ कि मैं पानी, मतलब जो है मात्रा कम कर रखी है मैंने, भले खाने के साथ हो कि खाने से पहले हो, पानी कम ही कर रखा है मैंने जनरली। ये सही सही हैबिट है ये? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, राइट, ठीक है। तो अब फिर आज मैं थोड़े दिन और करता हूँ और फिर आपको अपडेट देता हूँ कि क्या सीन है। किलोइड्स में ज्यादा फर्क नहीं आया, पर हालांकि किलोइड्स इज अ वेरी लॉन्ग टर्म थिंग। आपको किलोइड्स, आपने किलोइड्स बोला था, मैंने आपको किलोइड्स बोला था ना, मेरे को किलोइड्स लास्ट का में बोला था प्रॉब्लम। शायद, लास्ट में बोला था हाँ, जब किडनी स्टोन का भी शायद कुछ बोला था आपने। किडनी स्टोन का भी मेरे को, मतलब ऑफ एंड ऑन 3-4 महीने में ये प्रॉब्लम होता ही रहता है। किडनी स्टोन भी इससे क्योर हो जाएगा? किडनी स्टोन का साइज क्या है? मतलब मान लो 5 mm, 5 mm, 5 mm के काफी सारे रहते हैं। मेरे को ब्लैडर में भी है 5 mm का, लेफ्ट किडनी में भी है, राइट किडनी में भी है, दो तीन दो तीन दो तीन हर जगह पे है। अब वो जब उठते हैं तो दर्द होता है, बैठ जाते हैं तो ठीक है, चल रहा है तब तक चल रहा देखिए, एक नेपाल का लड़का है 20 साल का, है। अच्छा, उसके 3 स्टोन थे, 5.5 mm का लेफ्ट में, 5.5 का राइट में, और 9 mm का पाइप में जो ब्लैडर को कनेक्ट करता है, यूट्रस, क्या होता है वो, हाँ यूरेटस। जो, हाँ, तो उसका जो किडनी वाले स्टोन है वो तो ब्रेकडाउन हो गए हैं ओके, दोनों के दोनों, पर इसका उसको सर्जिकली निकलवाना पड़ा जो पाइप वाला था। निकलवाना पड़ा उसको। हाँ वो उसने निकलवा लिया कुछ दिन पहले। तो उसका जो 5.5 वाला था, उसकी थोड़ी सी रिपोर्ट जो है ना वो कंफ्यूजिंग सी है। उसकी रिपोर्ट कंफ्यूजिंग इस तरीके से है कि जो पहले उसने टेस्ट कराया ना, जो भी एक्सरे एक्सरे कराया, तो उसमें 5.5 5.5 mm का आया, अच्छा, और जो सेकंड आई है जिसमें उसने पाइप वाला निकलवाया, तो उस हाँ, समय जो भी टेस्ट वेस्ट हुए तो उसमें आया था स्मॉल स्टोन्स आर देयर। ओके, तो इसका मतलब तो ये हुआ, स्मॉल का मतलब है मेजरमेंट नहीं है, तो इसका मतलब 1 mm से नीचे ही है, तो इसका मतलब वो डिब्रीज में तो कन्वर्ट हो गए, तो निकल जाएगा वो अपने आप। लोग बोलते हैं पानी कम पीने से पत्थर हो जाते हैं, ये सच है क्या? आज से 30 साल 40 साल पहले भी मैं कहीं पर मैगजीन्स में पढ़ा था कि पानी ज्यादा पीने से होते हैं स्टोन। अच्छा, ओके, तो लोग आज ये की जो नजर में चीजें हैं ना, गाजर की तो जानबूझ बात ही के नहीं रहती है रिवर्स, ना बस कि ये चीजें आपको जानबूझ के पानी। रिवर्स करी गई हैं। अच्छा, ये हर साइंटिफिक रिसर्च को एक गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। अगर रिसर्च करते भी है ना, उसके कुछ कंक्लूजन निकलते भी हैं, मतलब उसके कुछ फाइंडिंग निकलती है, तो उस फाइंडिंग का जो कंक्लूजन होता है वो कुछ और निकाल देते हैं।
और आपके सामने सब कुछ पड़ी होती है पर आपको दिखेगा नहीं. यू कैनॉट ब्लेम देम कि तुमने गलत स्टडी को गलत रिपोर्ट किया. रिपोर्ट भी ठीक करेंगे पर कंक्लूड गलत कर देंगे. और लोग हर चीज के लिए दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं, कंक्लूड भी नहीं करते. आज ही का जिक्र बताता हूँ. अभी हम ना आ रहे थे तो एक कैंप सा लगा हुआ है डेंटल क्लो वालों का. तो दिस गाय दो तीन डॉक्टर थे वहां पर. तो मेरी बहस हुई, बातचीत हुई. तो आई वाज सेइंग कि जो दांत होते हैं वो इसलिए खराब होते हैं कि एनेमल जो होता है वो घिस जाता है अगर आप ब्रश करते हो, टूथपेस्ट यूज करते हो. एनेमल घिसेगा धीरे धीरे, सही बात है. तो एनेमल घिसेगा तो आपके दांत खराब होंगे, कीड़ा लगेगा, सेंसिटिविटी हो जाएगी, उनके अंदर दुनिया भर की प्रॉब्लम हो जाएगी. तो दिस गाय सेड कि एनेमल जो होता है वो बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, हड्डियों से भी 100 गुना ज्यादा मजबूत होता है. और यही कारण है कि जब आदमी मर जाता है उसको जलाया जाता है तो उसके दांत बचे रहते हैं. ठीक है. और वो दांत एनिमल प्रोटेक्ट करता है. नाउ कुड बी दैट एनिमल इज फायर प्रूफ. ओके. बट इट मे नॉट बी एब्रेसिव प्रूफ. एब्रेसिव मतलब सड़न का? नहीं, एब्रेसिव का मतलब है रेगमल होता है ना, जो घिसने वाली चीज होती है उसको एब्रेसिव बोलते हैं. ओके, राइट. टूथपेस्ट के अंदर एब्रेसिव होता है. अच्छा. तो वो एब्रेसिव जब छोटे बच्चों के दांत में, बचपन से ही 6 महीने के बच्चे को टूथपेस्ट और टूथब्रश पकड़ा दोगे तो वो घिसेगा रोज 5-5, 10-10 मिनट. उसमें शुगर भी मिला देते हैं ताकि उसको अच्छा भी लगे, और मिंट भी मिला देते हैं. सही बात है. तो मिंट से क्या होता है कि उसका टेस्ट बड्स डल हो जाते हैं. और जो उसपे एब्रेसिव होता है और सुबह सुबह एसिड वगैरह होता है तो वो दोनों का कनेक्शन से उसको प्रॉब्लम हो जाती है. तो इसलिए आज की डेट में 95% जो बच्चे होते हैं उनके दूध के दांत टूटने से पहले कीड़ा लगता है और उनको फिलिंग करानी पड़ती है. और फिर जो दूसरे दांत आते हैं वो चल जाते हैं. और उसके अलावा जो लोग इसको ज्यादा अपने दांतों का सफाई सफाई कराते रहते हैं उनका एनिमल उतर जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उसका कुछ जवाब नहीं दे पाया 100 साल वाले का. फिर थोड़ी सी दूर गए तो आई वाज विद समबडी, तो ही ऑल्सो आस्क्ड मी कि ये सच में ऐसा होता है कि एनिमल इतना स्ट्रांग होता है. देन आई वेंट बैक टू हिम. मैंने कहा यार तुम एनिमल को इतना स्ट्रांग बता रहे हो कि किसी भी चीज से डैमेज नहीं होता. लेट्स डू वन थिंग कि रोज आकर ना मैं 15 दिन के लिए तुम्हारे दांत घिस देता हूँ. लेट अस से किसी भी एब्रेसिव से घिस देता हूँ उसको. लेट अस सी वो आपके दांत बचते नहीं बचते. तुम उसको स्ट्रांगेस्ट चीज बोल रहे हो तो दैट मीन्स इट्स स्ट्रांगर देन इवन फाइलिंग जो होती है ना. तो उससे भी स्ट्रांग है. तो इसका मतलब एनिमल को 2-4 दिन 5 दिन घिसने से कुछ नहीं होगा. और थोड़ा थोड़ा सी घिसूंगा 2-2 मिनट के लिए. सो ही हैड नो रिप्लाई. आप दांत को घिसके देख लो. आप इवन अगर कोई विटामिन सी टाइप की कोई खट्टी चीज भी खाते हो तो आपको ठंडा गर्म लगने लगता है. वो उसी समय एनिमल के बैंड बजा देता है. और अगर आप किसी चीज से सच में रगड़ लो तो आपको 15 मिनट में ठंडा गर्म लगने लगे, एनिमल खत्म हो जाएगा. वो एनिमल फिर थोड़ा सा आ जाता है, क्या होता है आई डोंट नो, क्योंकि कई बार ठंडा गर्म लगता है पर उसके बाद 2 दिन में खत्म हो जाता है. तो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होती है उसकी. उसमें शायद कुछ स्टेरॉइड का काम होता है. नेचुरल बॉडी में भी तो स्टेरॉइड होते हैं ना नेचुरल तरीके से. सो वो बॉडी अपने आप से उसको कवर अप कर लेती है. अब मैं पिछले 15-20 साल से ब्रश नहीं करता. आप क्या करते हो? दातुन करते हो? कुछ नहीं करता मैं मतलब? कुल्ला भी नहीं करता. मतलब मैं कुल्ला भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता मैं 15-20 साल से. आप उठते हो सुबह तो क्या करते हो फिर? खाना खा लेता हूँ. तो आपके मुंह में वो स्मेल का दिक्कत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है. बल्कि जब मैं ब्रश करता था तो बहुत स्मेल आती थी. आप ब्रश नहीं करोगे ना तो आप किसी के पास खड़े हो जाओगे तो मतलब 2-3 मीटर तक बदबू आएगी आपके. हाँ तो मेरी नहीं आती ना बिल्कुल. आपको ये बात आपने दूसरों से वेरीफाई करी है? हाँ हाँ, मैं सभी से वेरीफाई करता हूँ. सबसे पहले तो मेरी वाइफ ही बता देगी. बिल्कुल बताएगी आपकी वाइफ. और ये तो कमाल की बात है. तो और ये इसका बेसिकली ब्रश का इससे कोई लेना देना नहीं होता. आप जब खाते हो ना खाना तो वो खाना आप फालतू का पानी पी के इतना भरा होता है कि वो डाइजेशन वीक हो जाता है आपका. वो खाना पचने की जगह सड़ने लगता है. सड़ेगा तो बदबू मारेगा. तो आप अगर प्रॉपरली 3 मील्स लो पूरे दिन में, छोटी छोटी चीजें मत खाओ, स्नैक्स मत खाओ. पर पता है भल्ला जी, आप है तो जबरदस्त आदमी, ये तो बात मैं मानी, क्योंकि आपकी रिसर्च बहुत अलग है. लेकिन मुझे लगता है कि आपको यार मतलब मार्केटिंग की, क्योंकि मैं मार्केटिंग करता हूँ ना ऑनलाइन और ये सारी चीजें करता हूँ ना, आप क्या एक दो चीजें पकड़ो जिनका इलाज जो बहुत ही फेटल ना हो. नहीं तो क्या होगा कि जैसे इतनी रेडिकल बात जब कोई करता है ना तो लोग घबरा जाते हैं सुन के, और फिर वो उसको अपोज करते हैं, अपोज में हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, तो जो बेनिफिट मिलना होता है ना वो रह जाता है. तो
आप मेरा इंटेंशन समझे क्या? मैं आप, नहीं, इंटेंशन तो समझ रहा हूँ, बट इट्स वन क्योर फॉर ऑल डिजीजेस. आप देखते रहो तमाशा, आगे आगे देखो क्या होता है. लेकिन अपने को कुछ नॉन फेटल, जैसे अगर आप मेरे से लेट्स से अगर आप साइनस की बात करते हैं कि यार हम साइनस क्योर कर सकते हैं, वन क्योर फॉर ऑल डिजीज की बात अपन छोड़ के अपन सिर्फ साइनस पे फोकस करते हैं. मुझे पता है दुनिया में साइनस से इतने लोग इतने परेशान हैं, और साइनस फेटल डिजीज भी नहीं है, कि ऐसा भी नहीं कि साइनस में कोई मर रहा मैं है. अभी ये सोच रहा हूँ कि मेरी एक वेबसाइट तो है, उसको रहने देता हूँ. हाँ. इसके अलावा हर बीमारी के लिए अलग वेबसाइट बना लेता हूँ. आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो. अब मैं वो मेरा शॉर्ट टर्म प्लान है, मैं अगले कुछ महीनों में करूंगा. सही, मेरी बात तो सुनो. अपन लोग इस बारे में बात करेंगे, पहले एक बार मैं पूरा टेस्ट करूं, मेरे को भी आपकी बातों में इंटरेस्ट है, एक बार मैं पूरा टेस्ट कर रहा हूं आपके प्रोसेस को. आपको मल्टीपल बीमारियों पे जाने की जरूरत ही नहीं है. आप एक ही बीमारी पे रह के उसमें लोगों की लाइफ में इतना डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो कि वो लोग मतलब पागल हो जाएंगे कि यार. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं ऑलरेडी उस चीज को अप्रिशिएट समझ चुका हूँ. तो बेसिकली क्या है कि मैं आज की डेट में कैंसर ठीक कर सकता हूँ. ठीक है, सच बोल रहे हो आप? आपने किसी का किया है अभी? अरे बहुत लोगों का कर दिया. अभी मैं आपको कैंसर के बारे में बताऊं. कैंसर जितने भी एब्डोमिनल कैविटी के कैंसर होते हैं ना, उसमें जो लास्ट स्टेज होती है, फोर्थ स्टेज, उसमें क्या होता है, एसाइटिस होता है. एसाइटिस का कंडीशन क्या होती है कि आपके पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है. Okay. हिंदी में इसको जलोदर बोलते हैं. ठीक है, तो ये सारे कैंसर की लास्ट स्टेज होती है. मैं एसाइटिस ठीक कर चुका हूँ एक महीने में, और आज डेढ़ साल हो गया उस चीज का. क्या बोला उसको देख के डॉक्टर्स ने? उस पेशेंट को देखते ही बोला कि भैया तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कहीं और से इलाज कराया है, तुमने पानी निकलाया. वो पानी बेसिकली सर्जिकली निकल जाता है. मैं आपको एक एक बंदी की किताब के बारे में भेजूंगा, मुझे जैसे समय मिलता है. वो बंदी बोलती है कि मतलब रिगार्डलेस उससे होता है या नहीं होता है, कि गाजर के रस में कुछ ऐसी बात बकवास चीज है, रहने दो. मैं भूल जाते कि वो बकवास है या नहीं. नहीं, 20 साल से पढ़ता आ रहा हूँ. तो सुनो, पर वो उस बंदी को लोग अमेजोन पे उसकी किताब को बढ़िया रिव्यू देते हैं, उसको मानते भी हैं, उसको अलग अच्छा भी बोलते हैं. उसको अपोज करने वाले लोग होंगे आई एम श्योर, लेकिन उसका एक अच्छा बिजनेस चल रहा है. लेकिन अभी अपन लोग किस स्टेज में है? आपके क्या है कि आपका कोरा बैन हो गया था, या आपको अपोजिशन ज्यादा मिल रहा है थोड़ा सा, तो मैं उसको थोड़ा माइल्ड करना चाह रहा हूँ. आप माइल्ड नहीं कर सकते. आप एक बात समझने की कोशिश करो. मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं जी, डायबिटीज की और 100% गारंटी, नो मेडिसिन एंड नो चार्जेस, या चार्जेस मतलब जो पूरा ओवरऑल होता है, शायद चार्ज का लिखा होता है, नहीं लिखा होता, आई डोंट नो, बट दैट एंटायर मैसेज गिव्स यू मैसेज इज फ्री ऑफ कॉस्ट. आप जब कॉल करते हो तो कहते हैं एक महीने का 6000 रुपए की दवाई है. अच्छा, नो मेडिसिन लिखा होता, फिर कहते हैं मेडिसिन ये हब्स है. हाँ. फिर वो बोलते हैं 100% गारंटी, तो उसको बोलो कि यार अगर नहीं ठीक हुआ तो पैसे वापस कर, तो कहते हैं पैसे थोड़ी वापस होते हैं. ठीक है, तो ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये क्या होता है कि लोग डेस्परेट होते हैं, और जो डेस्परेशन होती है ना, उसके अंदर लोग बेवकूफी में हर लोगों का, अब मान लो डायबिटीज है, हर लोगों का परसेप्शन, अरे ये तो बड़ी भयानक है, ये तो कभी ठीक नहीं होती. कुछ लोग कहते हैं यार ठीक है, सबको होती है, हमारे को भी होती है. तो हर एक का जो वो होता है ना, उसको डील करने का तरीका वो अलग होता है. तो इनमें से जो लोगों का जो बहुत हाईली साइकिक हो जाते हैं इसको लेकर, दे आर विलिंग टू स्पेंड एनीथिंग. वो कहते हैं यार एक बार ट्राई कर लेते हैं. सही बात है. तो इसमें क्या होता है कि 10,000 में से एक आदमी ट्राई करता है, पर 6,000 करके उसको रोज के 20-25,000 रुपए मिल जाते हैं. सही बात है. सो ये इस फिलोसफी पर चलते हैं. जो गाजर बाजार है, ये भी इस फिलोसफी पर चलते हैं. इनकी बुक्स महंगी होगी, सब कुछ होगा, हमारा सब कुछ फ्री है. सही बात है. सो इसलिए वो फ्री का चीज जो होती है पचती नहीं है लोगों को, और ये उसी साइकिक को पकड़ते हैं. अब हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना, वो जब सब दुनिया से परेशान हो चुके होते हैं, देन दे कॉल मी. और फिर जब उसको रिजल्ट मिलता है, तो उसके बाद मान लो उसको दोबारा भी होती है थोड़ी सी प्रॉब्लम. तो कुछ लोग क्या होते हैं कि वो एक बार आराम मिल गया ना, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि यार ये 100% नहीं हुआ, 90% हो गया या 80% हो गया, तो 20% के बाद किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं. फिर उसका और गड़बड़ होती है. फिर 6 महीने बाद, साल भर रुके, फिर रो पीट के वापस आते हैं. मैंने आज तक ऐसा पेशेंट नहीं देखा जो मेरे को छोड़ के चला गया और वापस ना आया हो. अब आप मुझे एक बात बताओ कि मेरे को दो तीन एक ये छींकों की परेशानी के साथ एक मुझे परेशानी और है जो मैंने आपको बताई थी पीछे, शायद सर्वाइकल बोलो कि कुछ भी बोलो, गर्दन में दर्द रह रहा है, और दूसरी बात केलॉइड, मेरी पीठ मतलब जो है ना बड़ी खराब हो चुकी है केलॉइड्स की वजह से. जी, आपका मेटाबॉलिक रेट गिर चुका है, जिसकी वजह से आपको ये सारी समस्या हो रही है जो गर्दन वर्दन वाली है. एक बार संडे को जो मैंने बोला वो कर लो, एक दिन निकाल लो. क्या करूं मतलब, पूरे दिन खाना भी नहीं खाऊं, और खाना भी नहीं, पानी भी नहीं, और वॉक एंड रेस्ट पूरा दिन. 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट, 1 घंटा आराम, 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट, पूरा दिन आप एक्सक्लूसिवली इसी काम पर दे दो.
पूरा दिन इस पे ही दे दूं और फिर मतलब वापस नॉर्मल जो शेड्यूल है जैसे कर रहा हूँ उस पे आ जाऊँ हाँ, फिर उसकी और इससे मेरा किलोइड जो है 10-15 दिन में कम हो जाएंगे। इसमें ना जो अभी तक इफेक्ट दिखाई दे रहा है वो अभी जैसे एक लास्ट संडे को किसी ने किया था जिसको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर था, तो उसका उसने किया तो संडे को था और नेक्स्ट डे उसने 2.5 लीटर पानी भी पी लिया पर उसके बावजूद उसकी ब्लड शुगर अभी तक नीचे जा रही है। मतलब उसका रिजल्ट उसको संडे को या मंडे को या ट्यूसडे को जितना मिला उससे ज्यादा अब मिल रहा है। अच्छा, इट इज ए प्रोसेस जो कि सेट ऑफ मतलब एक एक प्रोसेस को चालू कर देती है वो। अच्छा, और अगर इसको 2-3 दिन निकाल के हफ्ते हफ्ते के बाद कर लिया जाए या 15 दिन बाद इंटरवल पर कर लिया जाए तो इट कैन लीड टू लॉट ऑफ अदर हेल्थ बेनिफिट्स। वो भी एक बहुत ही अनोखी और बहुत ही सुपर चीज है, उसको भी सोच सोच के बहुत लंबे टाइम के बाद निकाला है। मतलब 24 घंटे तक ना खाना ना पीना, वही ना? हाँ हाँ, और उसके पीछे साइंस बहुत तगड़ी साइंस है। अच्छा, मैं करूंगा जरूर ये बल्ला जी। मैं देख रहा हूँ कि किस मतलब मेरे को एक तो क्या है कि ओवर द इयर्स इतना अपने आप पे कंट्रोल रहा नहीं है, देखो ऑनेस्टली खाने का बहुत शौक है और तो फिर और लाइफस्टाइल भी ऐसी रहती है, दोस्त कभी कहाँ बुला लेते कभी कहाँ, तो सबको ना बोलने के लिए मेरे को और खुद को भी मनाने के लिए थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ, पर ये करूंगा जरूर मैं आपकी चीज। अभी तक तो मैं नॉर्मल जो आपका जो कर रहा हूँ उससे भी मुझे बेनिफिट तो लग रहा है। हाँ, बेनिफिट तो हो ही जाएगा, जो चीज ट्रबल मेकिंग होती है वो तो हो जाएगी, पर जो सोफर एज जो टोटल कोर होता है ना जिसको बेस बोलते हैं वो बेस स्ट्रांग नहीं हुआ उससे, तो एक बार बेस स्ट्रांग हो गया तो फिर बाकी चीजों का जो रिस्क फैक्टर होता है वो भी खत्म हो जाता है। अच्छा, मेरी वाइफ को एक्ने का बड़ा ट्रबल है, वो काफी टाइम से ट्राई कर रही है दूसरी तरीके की मेडिसिन ये वो, तो उसके में आपके प्रोसेस से उसको एक्ने में फायदा होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल होगा, बट अगर वो कहेगी 10-15 दिन में तो हो सकता है थोड़ा बहुत बीच में बढ़ जाए या कम हो जाए। मैं आपको एक्ने का एक सबसे सुपर एग्जांपल देता हूँ, देयर इज अ 32-year-old लेडी, 32 ईयर ओके, उसको स्काल्प में पिंपल्स की प्रॉब्लम थी एंड इट वॉज पेनफुल ऑल्सो। ओके, मेरे पास उसकी कम से कम 30 रिकॉर्डिंग पड़ी है, उसका पीरियड रिलेटेड इश्यूज भी थे और वो मैं यूट्यूब पर भी उसकी पूरी डाल चुका हूँ, मेरे ख्याल से 15-20 यूट्यूब पर भी डाल चुका हूँ उसकी उससे पूछकर। तो वो इसलिए परेशान है कि जो स्काल्प में 3 दिन के अंदर उसके ऑलमोस्ट पूरे 90% खत्म हो गए थे, 100%। उसने 3 दिन तक क्या जो मैं कर रहा हूँ वो किया या 24 घंटे वाला किया? उस समय हम कर रहे थे हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन कर रहे थे, पूरा पानी छोड़ने वाला कर रहे थे 36 घंटे वाला। 36 घंटे तक आपने उसको पूरा पानी छुड़वा दिया? हाँ, पहले रेगुलेट किया फिर 36 घंटे भी छुड़वाया फिर नमक पानी भी किया, पर उसका कहना है कि जो 36 घंटे छोड़ने के बाद जो 2-3 दिन कम किया ना तो 3 दिन में पूरे खत्म हो गए, और अब वो कहती है कि नहीं 60% के आसपास है। तो मतलब उसका थोड़ा रिवर्स था, मतलब और ये प्रॉब्लम बहुत जगह से आई, वही मैं बात कर रहा हूँ परसेप्शन की, इसमें बहुत सा परसेप्शन होता है क्योंकि आपको इतना प्रॉब्लम है आप इतना उसे जो हो रहे हो और ऑल ऑफ ए सडन 60% रिलीफ मिलता है तो 100% का फीलिंग देता है वो। तो मतलब इससे आराम तो मिल जाता है, परंतु जैसे किसी के पिंपल्स नहीं है पर स्किन के इश्यूज है तो उनको पिंपल थोड़े एक दो निकल भी आते हैं, ज्यादा नहीं 2-4-5 भी निकल आते हैं, पर वो इसको हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन को अच्छे से फॉलो करोगे तो 1-2 महीने में बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाएगा, स्किन की क्वालिटी जो ओवरऑल स्किन की क्वालिटी होती है वो बहुत सुपर हो जाएगी, बिकॉज पिंपल्स के अलावा भी स्किन का जो होता है ना टच होता है या जो उसमें फैट और उसका कॉम्बिनेशन होता है वो चेंज हो जाता है, तो कुछ लोगों की स्किन डल होती है कि भाई आप टच कर रहे हो तो आपको वो सेंसेशन या वो फीलिंग नहीं होती, बट इसमें इट गोज टू अनदर लेवल, 1-2 महीने में तो देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है बल्ला जी, तो अभी मैं ये करता हूँ और फिर मैं आपसे 2-3 दिन में 4 दिन में वापस बात करता हूँ, अपडेट देता हूँ आपको क्या सुनना। ठीक है ओके, थैंक यू वेरी मच।